हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड कलियारा डॉट कॉम और आप देख रहे हैं बी टाउन टॉक्स, जहां मिलता है आपको डेली डोज ऑफ बॉलीवुड और सेलिब्रिटी गॉसिप्स। आज की सबसे पहली न्यूज कनिका कपूर को लेकर है, जिन्हें 20 मार्च को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट किया गया था कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से, के बाद लगातार उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और पिछले 5 टेस्टों में लगातार कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही थी। फिलहाल 6वें टेस्ट में उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है, जिसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको साथ ही बता दें कि उनके ऊपर चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ऑफ लखनऊ की कंप्लेंट के बाद FIR भी फाइल की गई है, सेक्शन 188, 269, 270 IPC कोड के तहत। सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च हुई है। अगली न्यूज भी कोरोना को लेकर ही है। करीब मोरानी की डॉटर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि साजा मोरानी, जो कि पिछले फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही श्रीलंका से लौटी थी, फिलहाल उनको कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से नानावती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जहां देश में सब कुछ बंद कर दिया गया है और इस लॉकडाउन के पीरियड में बॉलीवुड को भी अच्छा खासा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड की कुछ बड़ी और छोटी रिलीज इस लॉकडाउन के पीरियड में रिलीज होने के लिए शेड्यूल थी, लेकिन उन सबको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और फिलहाल ये डिसाइडेड भी नहीं है कि वो कब और कितने दिनों बाद रिलीज होने वाली है। लेकिन इसी दौरान अंग्रेजी मीडियम के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वे अपनी इस फिल्म को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने जा रहे हैं। अब ये फिल्म आप डिज्नी हॉटस्टार VIP पर देख सकते। इसकी इन्फॉर्मेशन खुद इरफान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके दी। साथ ही सोनम कपूर और अशोक पंडित के बीच में ट्विटर पर एक वार दिखाई दी, जहां पर वह पटाखे फोड़ने के ऊपर एक दूसरे से बहस करते हुए नजर आए। सोनम कपूर ने एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पीपल आर बस्टिंग क्रैकर, जस्ट FYI, द डॉग्स आर फ्रीकिंग आउट, डू पीपल थिंक इट्स दिवाली, आई एम सो कंफ्यूज। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देर वॉज ए कम्प्लीट पीस एंड क्वाइट एंड नाउ द बर्ड्स, डॉग्स एंड सेरेंस आर फ्रीकिंग आउट इन साउथ दिल्ली बिकॉज सम मॉरन्स डिसाइडेड टू बस्ट फायर क्रैकर्स टुनाइट। जिसके बाद उसके रिप्लाई में अशोक पंडित ने भी कुछ ट्वीट्स किए। आप पढ़ सकते हैं कि अशोक पंडित ने सोनम कपूर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए क्या लिखा, जिसके बाद एक के बाद एक सोनम कपूर और अशोक पंडित एक दूसरे को रिप्लाई करते हुए नजर आए। आज था करण वाहिक की गर्लफ्रेंड अदिति सिंह का बर्थडे, लेकिन जैसा कि देश में माहौल है, ऑब्वियसली वह इस बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाते और उन्होंने बर्थडे विश करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे, इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, बट मे यू फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी थिंग्स अराउंड यू टू सेलिब्रेट मैनी मोर टुगेदर। वेल, आज के बी टाउन टॉक्स में सिर्फ इतना ही। बॉलीवुड की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट bollywoodkalyara.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।